दोस्तों आरती नाराज होके बैठी है कि इसकी रील्स कोई लाइक नहीं करता। कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरी रील लाइक नहीं करता। ये देखो दरवाजा बंद किया हुआ है, कुंडा लगा रखा है, इसको भी कुंडा लगा रखा है, अंदर से भी कुंडा लगा रखा है, और यहाँ भैंस बैठी है सामने, हवा ले रही है, सांस ले रही है। आजा बाहर, ये भी कोई नाराज होने वाली बात है कि तेरी रील्स कोई लाइक नहीं। मेरे को किसी का कमेंट आया था भाई मेरी रील्स पे लाइक नहीं आते, मैंने बोला अच्छी बनाया करो। आजा आजा दरवाजा खोल दे मेरी माँ। अच्छी लगती है, मेरे घर वालों को ही नहीं अच्छी लगती। अरे लगती है भाई, क्यों नहीं लगती? तू मेरे साथ कितनी रील्स में होती है, कितनी लाइक आते हैं उसमें बता है। मैं भी कर दिया करूंगा तेरी रील्स लाइक। यार मैं तो करता हूँ नहीं करता। ले मैं तेरे को अपना फोन ही दे दूंगा, सारी लाइक कर लेना, सारे कमेंट कर लेना। मैंने खोल के दिखाया था मम्मी आपको। कोई भी लाइक नहीं करता, गिन के वही चार पांच लोग हैं जिनसे मुझे उम्मीद भी नहीं है कि वो लाइक भी करते होंगे, उन लोगों ने कर रखी थी। दोस्तों जो भी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज जाके मेरी बहन को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और इसके सारी इंस्टाग्राम की रील्स पे लाइक करो। ये मुझसे नाराज हो गई है। आजा बाहर, अब तो मेरी माँ वीडियो भी नहीं ढंग से बन पा रही मुझे। ये देख जालियां आ रही हैं सामने। सॉरी बोल, तूने उल्टा उल्टा बोला मुझे। सॉरी बहन, सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। मैं लाखों लाइक आए, मिलियंस पे व्यू हो जाए तुम्हारे। आ जाओ। नोविता भी सोच रहा हो क्या रहा है, इसके नाक पे देख रहा क्या हो रहा है यार। इन्फेक्शन अभी दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है? नहीं खून नहीं निकल रहा, वैसे इन्फेक्शन से हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, दवाई दे। आ रही है बहन जी बाहर। कोई मुझे लाइक नहीं करता, मेरी बेटी को इतना इतना लाइक कर देना, इतना इतना कर देना, जितने आंसू डाल के उसने ज्यादा भी। यार देख मेरे सभी नीचे कमेंट्स भी करेंगे, सबको पता है कोई मुझे प्यार नहीं करता जितना प्यार तेरे को करते हैं लोग। सभी बोल रहे हैं कि तू अपना YouTube चैनल बना और YouTube पे छा जा, ठीक है? पैसे भी आएंगे, राम खोल के पैसे आएंगे, रील्स भी बना है। इतने इतने इसकी रील्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो भाई, मुझे लाइक करना बंद कर दो मगर इसको लाइक करो। कर दो भाई। तो ये मेरी बहन है, इसको ज्यादा से ज्यादा अनफॉलो करो। नहीं नहीं नहीं, इसको लाइक करो, इसकी रील्स लाइक करो। ये तो नीटू शटरा वाली बात होगी, पंजाब में नीटू शटरा वाला है, वो कह रहा मेरे घर के 5 मेंबर हैं और मेरे को वोट पड़ी है 2। ये वीडियो डालती है, इसको वोट करने वाले से मेरा भाई और मम्मी है। अगर ये वीडियो डालती है इसको लाइक नहीं आते। ये भाभी से नाराज है और अपनी दूसरी भाभी से नाराज है, बड़े भाई से नाराज है, ये अपने पति से भी नाराज। तेरा पति भी नहीं लाइक करता? उन्होंने तो अनइंस्टॉल कर रखा है, वो चलाते ही नहीं है। भाई इसकी रील्स लाइक कर दिया करो, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है आज का, और इसने इसी चक्कर में मेरे साथ आज वीडियोज नहीं बनाई है। कह रही मेरी रील्स लाइक देखो गई भैंस पानी में। अच्छा चलो प्रभ जी से साफ साफ पूछो, आप प्रभ जी आपकी रील्स क्यों नहीं लाइक करती? पूछ प्रभ, आप इनकी रील्स क्यों नहीं लाइक करते? ये मुझे करती हूँ बताओ। सही बात है, मैं अपना मोबाइल खुद खोल के ना मैं खुद लाइक करता हूँ, एक भी वीडियो लाइक नहीं करती। उसको भी टाइम भी मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं अकाउंट खोल खोल के लाइक करूं और मैं देखूं मुझे किसने लाइक किया किसने नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं पता था इसके दिल में ऐसी कोई बात है। हाँ भाई ऐसे नाराजगी वाली बात नहीं है। अरे उसको टाइम भी नहीं है, ठीक है? अब तेरी रील्स मैं लाइक करा करूंगा यार। हाँ, उसके फोन से मुझे कोई नाराजगी नहीं है, ये मेरी वीडियो लाइक करती है नहीं करती है वो। मैंने स्टेटस भी डाले, सबके डाले, बड़ी भाभी के भी डाले, मैंने डाले, सबके डाले, तेरी तो डेली डालती हूँ। मैंने नहीं डाला तेरे से, मेरे साथ सब ऐसे करते हैं। और मैं इस बात का कोई मुद्दा बनाना नहीं चाहती, जनरली बात हुई थी मम्मी से, मम्मी ने बता दिया इसको। अरे ये मेरे को भाषण देने लग गया, इसका कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये
भाषण देने लग गया मेरे को कि ये वो है, एक तो मेरी ही वीडियोस लाइक नहीं होती, ऊपर से मुझे ही बोल रहा है। कह रहा तेरे मन में पाप है, तेरे मन में ये है, तेरी सोच ऐसी है, तेरी सोच ऐसी है, मेरे को बोल रहा उल्टा। ऐसी गुजर नहीं आता यार। आरती देखो एक बात बताऊं, तेरे को ना बिग बॉस में होना चाहिए। हाँ यार, तेरे को ड्रामे भी आते हैं, तेरे को रोना भी आता है मिनट मिनट में। मेरा बिग बॉस में नहीं, आरती को रोक दे प्लीज। नौकरिया तो है नहीं, नौकरिया तो कहीं मिलती नहीं है, प्लीज प्लीज इसको रोक दे दो मेरी बेटी को। नोबिता भी सोच रहा हूँ क्या, प्लीज प्लीज नोबिता की बुआ को बिग बॉस में चांस दे दो, प्लीज प्लीज। आरती यार ये मुद्दा सच में नहीं है कि लाइक नहीं करता कोई, यार ये कैसी बात हुई यार? बात इसने बढ़ाई मम्मी जान जान के। क्या बढ़ाई, मैंने क्या बोला था? आपने इसको बोला ही क्यों? ना ना मैंने नहीं बोला, मैंने ये बोला ना, मैंने कहा पर अब तुम्हारे, मैंने यही बोला ना 5000 हो गए ना। हाँ पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे फैन बहुत है, मुझे प्यार कर। आरती को हुआ घमंड। आरती ने ये लाइन बोली, पर मुझे इसके कहने पे हुआ ना, तेरी सोच ऐसी है, तेरी सोच जैसी है, ये है वो, ऐसे ऐसे बोलने लग गया मेरे को। फिर मुझे गुस्सा आ गया, ऐसा नहीं बोलते छोटी बहन है तुम्हारी, मतलब क्या, मैं इसको मैं वीडियो बनाने के लिए उठाया है तो इसका मतलब वीडियो बनाने के लिए उठाया है, ये थोड़ी मतलब लगा रखा था मम्मी, मैं पहले उठ गई थी तो फिर मैं फिर उठ गई थी, तूने ऊपर ही जाना स्पेशल कहूंगी, पुत जी तुसी भी चलो, बेटा आरती तू भी चल, ऐसे बोलो। हाँ मेरे को बोला नहीं ना फिर तूने। बस अब तो बात, अब चल। सभी लोग आरती को कहते थे ये खुश रहती है, हंसती रहती है, आज इसका असली रूप देख लिया आपने, ये कैसी दरिद्री औरत है। ये इतनी कमीनी है ना, इतनी जिद्दी है। कोई बात नहीं है, ठीक है, एक को तुम्हारे सामने कोई ऐसे एक को बोल रहे की हाँ तू चल, दूसरे को पूछ ही रहा तो गुस्सा नहीं आ, आज आ, आप लोग कहते थे कि आपके परिवार में बहुत ज्यादा प्यार है आपस में, ये देख लो कमेंट्स की नजर लग गई, हवा ले गई है ये, पर मैं इसको भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि इस चीज को नहीं दिखाऊं, ये सच में हुआ है। और ये चल आरती, ये लोग मुझे रोज बुलाते हैं किसी नंगी बात को लेकर। कल किस बात के लिए रोई थी? मुझे क्या पता, याद ही नहीं है। कब रोई थी फिर? नहीं इस बार तो जा रही है, ये छुप छुप के चक्कर में भी रोती, मैंने बहुत बार देखा इसको, कभी पति का काम हो जाता है। जितना आदमी हंसता है ना दोस्तों, उतना वो रोता भी है अकेले में, ये आपको आज पता लग गया होगा कि आरती कितना रोती है और हर बात बात पे रोती है, और इसके ऐसे नहीं भैंस के जैसे चितड़ हुए। चलो थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, ये मैंने अचानक से वीडियो बना ली और मुद्दा सॉर्ट आउट हो चुका है। आरती मुद्दा सॉर्ट आउट हो चुका है ना, इधर आ बैठ फिर, इधर बैठ तो सही, इधर आ जा, आज तेरे से उधर बैठ, आज तेरे से वादा है प्रभु मोबाइल चलाए ना चलाए, मैं प्रभु का मोबाइल पकड़ के तेरी सारी रील्स लाइक करूंगा, सब पे कमेंट करूंगा, और जो जो अच्छी लगेगी उसको अपनी स्टोरी पे शेयर करूंगा, ठीक है? बिग बॉस में तेरे को नौकरी भी दिलाऊंगी, ठीक है? उनसे कह के ठीक है, शॉर्ट आउट है, वीडियो के नीचे कोई एक कमेंट दिखा दो किसी का, पापा सो रहे हैं, ये पापा को सोने भी नहीं दे रहे हैं, हल्ला तूने बढ़वाया है, वीडियो बनाने को किसने कहा था? अब मेरे घर में हगना हो रहा है, मेरे घर में ये हो रहा है वो हो रहा है, इसको एक एक चीज दिखा रही हूँ, इसको वो भी दिखा रही, बस अब खत्म, इसी को डेली ब्लॉगिंग कहते हैं, इसी को डेली ब्लॉगिंग कहते हैं, इसको घर में मुद्दे चाहिए बस, आज में 1 लाख आएगा, कैमरामैन घर में 1 लाख आएगा।
चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको ये लड़ाई अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये मुद्दा हो गया है सॉर्ट आउट। थैंक यू।